इस वक्त जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और कांग्रेस पार्टी के बीच वाद विवाद का जो सिलसिला है काफी आगे तक बढ़ गया है और अभद्रता अपमान तक पहुंच गया है। अब बात यहां तक आ गई है कि पक्ष को विपक्ष के लिए बोलना पड़ रहा है। कमलनाथ के बयान पर सियासत गरमा चुकी है, सपा कार्यकर्ता नाराज है, पर अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव का पक्ष ले लिया है। क्या कुछ कहा है हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से सपा द्वारा अपने उम्मीदवार घोषित करने से कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी साफ दिख रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कांग्रेस से खासा नाराज है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज बता दिया है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ये वीडियो देख लीजिए, उन्होंने अखिलेश यादव को क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में देखिए। सर, सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। तो आपने सुना कि किस तरह से कमलनाथ अखिलेश यादव के नाम का अपभ्रंश कर रहे हैं, और अब इसी विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बयान पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का उनको अखिलेश व अखिलेश कहना उचित नहीं है, उनका नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए। अब इस पोस्ट के बाद केशव प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उनकी प्रशंसा हो रही है, लोग उनके इस व्यवहार को काफी पसंद कर रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।